नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। नक्सलियों के आतंक से न जाने कितने ही जवान शहीद हुए, लेकिन अब इन नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। छत्तीसगढ़ में नक्सली 28 जुलाई से 3 अगस्त तक एक विशेष सप्ताह मना रहे हैं। इस दौरान ये नक्सली मारे गए नक्सलियों की याद में आयोजन करने के साथ ही फोर्स पर हमला करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि इस बार छत्तीसगढ़ में फोर्स बेहद ज्यादा अलर्ट मोड पर है। इस अलर्ट मोड का ही तो असर है कि नक्सलियों को लगातार मुंह की खानी पड़ रही है। खबर छत्तीसगढ़ की सीमा के पास तेलंगाना के कोथागुडेम जिले की है। आपको बता दें कि बीते दिन नक्सलियों और पुलिस के बीच जंगल में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस नक्सलियों पर भारी रही और तो और एक नक्सली को मार गिराया है। छत्तीसगढ़ की सीमा के पास चेरला के जंगल में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना चेरला फोर्स को मिली। उसके बाद सर्च ऑपरेशन चला और वहां पर सर्च ऑपरेशन के बाद बड़ी जानकारी पुलिस को मिली। इस दौरान जवान इलाके की घेराबंदी करते हुए नजर आए, तभी नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस पर जवानों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के पामेर थाना इलाके से कुछ किलोमीटर दूर चेरला के जंगल में सुबह करीब 8 बजे ये मुठभेड़ हुई है। कुछ देर चली फायरिंग के बाद नक्सली भाग खड़े हुए। वहीं मौके पर सर्चिंग के दौरान एक नक्सली का शव और एक 303 राइफल बरामद की गई है। फोर्स नक्सलियों का पीछा कर रही है। इसी के साथ सीमा पर तैनात जवानों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से नक्सली काफी ज्यादा एक्टिव हैं और पुलिस पर लगातार हमले की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब जब ये नक्सली गैंग विशेष सप्ताह मना रहे हैं तो सीमा के पास की पुलिस छानबीन कर रही है। अलर्ट रहने के चलते ही पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक नक्सली का खात्मा कर दिया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।